लैपटॉप्स अंडर 20,000 रुपीस इन इंडिया। 20,000 का बजट काफी ज्यादा कम होता है और इस बजट के अंदर आपको काफी कम लैपटॉप देखने को मिलते हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 लैपटॉप बताने वाला हूं जिनको आप 20,000 रुपए से कम के अंदर खरीद सकते हैं और उनके अंदर आपको फीचर भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं जिससे आपका काफी अच्छा काम हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सारा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अविटा सेटस अल्टीमस S111। इस लैपटॉप का प्राइस आपको 18,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 14.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। इंटेल का N4020 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 4GB की रैम और 128GB की SSD देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाते हैं। विंडोज 11 का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये लैपटॉप काफी अच्छा हो जाता है, एक एवरेज यूज में आपको काफी ज्यादा काम आएगा। सेकंड, लेनोवो आइडियापैड D330। इसका रेट भी आपको 18,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। 10.1 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इस डिस्प्ले की खास बात है आप इसको डिटैच भी कर सकते हो। इसमें भी इंटेल का आपको N4020 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 4GB की रैम और 128GB की eMMC स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। विंडोज 10 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो ये लैपटॉप भी लगभग उसी के जैसा देखने को मिलता है बट इसकी डिस्प्ले काफी छोटी देखने को मिलती है। तो अगर आप ज्यादा ट्रेवल करते हो तो ये आपके लिए ठीक हो सकता है। थर्ड, आसूस BR1100 नोटबुक 12/2022 लैपटॉप। इसका रेट आपको 70,000 रुपए देखने को मिलेगा। 11.6 इंच की आपको HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको इंटेल का N4500 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 4GB की रैम और आपको 128GB की N2 स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको विंडोज 11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ ये भी आता है। मोस्टली इन सभी के साथ आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड ही देखने को मिलते हैं। इन सभी के परचेज करने का लिंक हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। फोर्थ, HP क्रोमबुक। इसका रेट आपको 20,000 रुपए देखने को मिलने वाला है। ये एक टच स्क्रीन लैपटॉप होने वाला है। 11.6 इंच की HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। टच स्क्रीन इसको एक अलग लैपटॉप बना ही देती है। मीडियाटेक कंपेनियो 500 प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलने वाला है जो कि इन सबसे अलग ही देखने को मिलता है। 4GB की रैम और 64GB की eMMC स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। इसके अंदर आपको विंडोज का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है बट यहाँ पर ही आपको क्रोम OS के साथ देखने को मिलने वाला है। इसके साथ भी आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी एक काफी अच्छा लैपटॉप आ जाता है। उन सभी फीचर से अलग एक क्रोमबुक देखने को मिलता है। फिफ्थ, इन्फिनिक्स इनबुक X1। इसका रेट आपको 20,000 रुपए देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पर आपको 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। ये भी लैपटॉप काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको इंटेल के क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलने वाले हैं। 4GB की रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। विंडोज 11 का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ ये भी आते हैं। मोस्टली सभी के साथ आपको 4GB की रैम और इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हैं। तो वैसे ये थे वो 5 लैपटॉप जिसका रेट आपको 20,000 रुपए से कम देखने को मिलता है और आप इनमें से कोई भी परचेस कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। बट आप इनमें से जो भी पसंद करो सबसे पहले आप उन सभी के रिव्यू को जरूर देख लेना। सो आप कमेंट करके कुछ बता सकते हैं अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।